दोस्तों टाटा मोटर्स ने फरवरी महीने के बिक्री के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं, जिससे पता चलता है कि घरेलू मांग में आई तेजी से टाटा मोटर्स की बिक्री 51% बढ़ी है। यदि हम फरवरी 2020 में टाटा मोटर्स की घरेलू और विदेश में बिक्री पर गौर करते हैं तो केवल 40,690 यूनिट की ही बिक्री हुई थी, जबकि फरवरी 2021 में टाटा मोटर्स के व्हीकल 61,365 बिके हैं। टाटा मोटर्स ने फरवरी 2021 में कुल 27,225 पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं। बीते साल फरवरी में टाटा मोटर्स ने कुल पैसेंजर व्हीकल 12,430 ही बिके थे। ऐसे में टाटा मोटर्स ने इस साल फरवरी में 119% की ग्रोथ की है। आपको बता दें कि बीते 9 साल में टाटा मोटर्स की फरवरी में इतनी बिक्री कभी नहीं हुई थी। दोस्तों टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल की सेल में भी 21% की बढ़ोतरी हुई है। बीते साल टाटा मोटर्स ने फरवरी में 28,017 व्हीकल ही बेचे थे, जबकि इस साल फरवरी में कंपनी ने कुल 33,966 व्हीकल बेचे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट टाटा मोटर्स को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।